लेकिन रामकृपाल जी आपके पास आते हुए, बहरहाल इन आरोपों को मैं दूर रखती हूँ, मुझे मुझे सिर्फ इस तुलना का मेरे को आधार नहीं समझ में आ रहा आपके लिए। आपने कहा कि इससे घिनौनी राजनीति नहीं हो सकती, मैं कहती हूँ कि अगर आपको सच में बताना है कि आप किसके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, आप किसको अपना आइडियल मानते हैं, तो अन्ना हजारे से बेहतर कोई हो सकता था क्या ऐसे में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अन्ना हजारे तक को ठगा, वो उनके तक सगे नहीं हुए। देखिए पूर्णिमा जी, अभी तक क्या हुआ है ये देश की जनता जानती है। भगत सिंह के बारे में जितना हम लोग कह रहे हैं देश का बच्चा बच्चा जानता है। मैं एक चीज केवल कहूंगा, आदर्श की बराबरी नहीं की जाती है, आदर्श के सामने झुका जाता है। आप कभी भी मंदिर में जाते हैं तो राम के बराबर खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाते हैं, राम को प्रणाम करते हुए फोटो खींचा जाता है। मैं फिर दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूँ, आदर्श की बराबरी नहीं की जाती है, आदर्श को फॉलो किया जाता है, आदर्श के सामने नतमस्तक हुआ जाता है। एक चीज, दूसरी चीज जो आप अभी तमाम तरह की बातें हम ये हो रही थी, मैं खुद कहता हूं कि जब कल्पना कर लीजिए कि अगर कोई आदमी, केजरीवाल ने नहीं किया है जाहिर सी बात है, लेकिन उनकी पत्नी, आज मैं पूछता हूं उनकी पत्नी है क्या? आज उस फ्रेम में चार लोग दिखाई पड़ रहे हैं, भगत सिंह, केजरीवाल जी कटघरे में खड़े हुए, उनको बिल्कुल वो कटघरे में दिखाई पड़ रहे हैं, बगल में अंबेडकर साहब और नीचे सुनीता केजरीवाल। ये क्या है, कौन सी राजनीति है? सुनीता केजरीवाल है कौन? वो कैसे डिसाइड कर रही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे और शहीद भगत सिंह और अंबेडकर के बराबरी अलायंस डिसाइड कर रहा है ना सर, मंच पर जगह देके अरविंद केजरीवाल की पत्नी को भी, संजय सिंह की पत्नी को भी अलायंस तय कर रहा है ना। आदेश जी जवाब देंगे उसका, लेकिन पहले अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मैं एक बात और कह लूं प्लीज, अगर अरविंद केजरीवाल जी पाक साफ होते, आज बाहर होते, मुख्यमंत्री रहते, उन पर कोई आरोप नहीं होता तो भी ऐसा करना गलत था, लेकिन आज तो वो जेल के भीतर हैं और बाकायदा जो वो जेल की सलाखें दिखाई पड़ रही हैं उसको दिखाया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे भगत सिंह जेल के अंदर थे वैसे ही एक दूसरा भगत सिंह जेल के अंदर है, इसके अलावा क्या आप सो कर रहे हैं? और ये बताइए कि अगर ये सोचा गया है तो इससे देश की जनता के दिल में आग लगेगी या आप पार्टी के प्रति संवेदना जगेगी? मुझे नहीं लगता है कि यह बहुत बड़ा ब्लंडर है, यह पॉलिटिकल सुसाइड करना हुआ अगर यह चीज जारी रही तो। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक सामान्य नागरिक हूं, लेकिन एक सामान्य नागरिक भी अगर हम कल को राम के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाए राम के बराबर में, तो मेरे घर वाले ही मुझे थप्पड़ मारेंगे, कोई ऐसा नहीं करता। कहीं आप दिखा दीजिए कि अपने आदर्श के बराबर खड़ा होके कोई फोटो खिंचाता है क्या? लोग आदर्श के नीचे खड़े होते हैं, आदर्श को ऊपर रखते हैं, मूर्ति ऊपर होती है, अगर मूर्ति आपके बराबर है तो आप झुकते हैं, यहाँ तो आप बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं। नहीं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सर, वो आप सिचुएशन है ना जो होनी चाहिए असल में, लेकिन असल में जो होना चाहिए वो मान कौन रहा है? आदेश भारद्वाज मान रहे हैं क्या? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो समकक्ष ला दिया आपने को शहीद भगत सिंह के। और सबसे बड़ी बात, कभी आपने सर सोचा था ऐसा कि अरविंद केजरीवाल की ब्रांडिंग करते करते आप इस पोजीशन में खुद पहुंच जाएंगे? ये वही अरविंद केजरीवाल जो जब अन्ना आंदोलन में शामिल हुए तो ये कहते थे कि आपके एक एक नेता को जेल में डाल देंगे, एक एक नेता को जेल में भिजवा देंगे, भ्रष्टाचारी हैं आप लोग। पूर्णिमा जी, सच्चाई ये है कि हमें देश के कानून पे भरोसा है, किसी ने कोई भी कांग्रेस को आरोप लगाए, लेकिन सारे आरोप जो है 2G स्पेक्ट्रम के हो, कोयला स्पेक्ट्रम के, कोयले के हो या कोई दूसरे रहे हो, सबका ट्रायल हुआ और मोदी जी के समय में सारे लोग बरी होके आए। मतलब ये कह रहे हैं कि आपके दाग भी धुल गए ना, अरविंद केजरीवाल की नजरों में आपके दाग धुल गए ना आदेश जी, इसीलिए अब आपके बीच में सांठगांठ हो गई है। नीमा जी, पूरे देश को भरोसा है इसको, किसके ऊपर? किसके ऊपर? केमचंद जी, केमचंद जी, मुझे जरा इनका पॉइंट समझने दीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके आपके सारे दाग धुल गए अरविंद केजरीवाल की नजर में आज?
अरविंद जी की नजर में नहीं, देश की नजर में धुले हैं। और आपके अरविंद केजरीवाल के दांत धुल गए। न्यायपालिका ने सबको निर्दोष साबित किया है और जिस व्यक्ति ने झूठे आरोप लगाए थे ऐसा निर्दोष होना भी क्या निर्दोष होना साहब, ऐसा निर्दोष होना भी क्या निर्दोष होना। मैं आके माफी मांगी, जिस व्यक्ति ने 1,75,00,000 रुपए का घोटाला बताया उस व्यक्ति ने कोर्ट में आके माफी मांगी। ये कांग्रेस का तरीका है, एक बात पूर्णिमा जी ये तरीका नहीं है, पूर्णिमा जी ये तरीका नहीं है जिस तरह से खेमचंद जी आदेश जी को अपने समय में बोलने दीजिए। खेमचंद जी उनको अपने समय में बोलने दीजिए, सबका अधिकार है। खेमचंद जी अच्छे वक्ता हैं लेकिन जब उनका टर्म है तब बोले जो है। बोलिए आदेश, तो सुनने का भी पेशेंस रखें दोस्त। बोलिए सर। मेरा अनुरोध सिर्फ ये है कि ये परंपरा आप देखिए ना, सरदार पटेल जी के नाम पे स्टेडियम था गुजरात में, मोदी जी ने अपने नाम पे कन्वर्ट कर लिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम हो गया। सरदार पटेल एयरपोर्ट था गुजरात में, उसका नाम बदल के अडानी एयरपोर्ट हो गया, जाके देख लीजिए बोर्ड वहां पे क्या लगे हुए हैं। तो ये जो है शहीदों से किसको हमदर्दी है, हमने उन शहीदों के नाम पे बनाया था, आज मोदी जी नया तो कुछ बना नहीं पा रहे सिवाय देश को कर्जे में झोंकने के, लेकिन उन्हीं चीजों के नाम बदल के अपने नाम पे करने का प्रयास किया जा रहा है। आज वो प्रधानमंत्री है और स्टेडियम का नाम नहीं, अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना आदेश भारद्वाज जी? कौन ठीक कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ठीक कर रहे हैं ना सब कुछ? देखिए अरविंद केजरीवाल तो जेल में हैं, अब ये उनकी पत्नी संयोजक की कैपेसिटी में बैठी हैं, सीएम की कैपेसिटी में बैठी हैं। किसकी कैपेसिटी में बैठी हैं? किसकी कैपेसिटी में बैठी हैं आदेश जी? मतलब हम केजरीवाल के प्रवक्ता नहीं, नहीं, कांग्रेस किसकी कैपेसिटी में बैठी हैं उनकी पत्नी? हमारा ध्येय है आदेश जी रिपीट करिएगा प्लीज, आदेश जी रिपीट करिएगा, किसकी कैपेसिटी में बैठी हैं सुनीता केजरीवाल? वो किस कैपेसिटी में बैठी हैं जाके वो बताएंगी जो है। अच्छा, ये मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो कांग्रेस का पक्ष रखूंगा। इस देश में नौजवानों की दुर्दशा है, उसकी चिंता हमें है, उसको किस तरह से निजात दिलाएंगे, देश में किस तरह से अमीरों गरीबी का फासला बढ़ रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, उसकी चिंता हमें है, उसके लिए हमने आज अपनी गारंटी दी और अपना घोषणा पत्र दिया है। उस पे आप डिबेट करती तो बहुत और भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चलो आपका विषय जो भी आप सुन सकते हैं। इस पर आपने आंखें मूंद ली हैं, खुद सुनीता केजरीवाल आएंगी बताएंगी कि मैंने पीछे तस्वीर क्यों लगवाई, आप नहीं बता सकते इस बारे में, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आप क्लीन चिट दे सकते हैं बैठकर यहाँ पर। देश में गिरी है ये देश बता रहा है जो है, मॉनिटर करते हैं हर चीज को जो है, दुनिया में बहुत सारे मॉनिटर हैं जो उसको मॉनिटर करते हैं। हमने तो अपना जो है महिलाओं का कैसे उत्थान हो, गरीबों का 1,00,000 रुपए हर साल गरीब महिला को मिलेगा जो है, जो रोज कभी आदेश जी माफी चाहूंगी, लेकिन कभी थोड़ा स्क्रिप्ट में हेर फेर करना पड़े ना तो उस कैपेसिटी में रहना चाहिए। इस वक्त जो आप लेकर बैठे हुए हैं आंकड़े, मैं समझ रही हूं कि आप घूम फिर के वापस उसी लाइन और लेंथ पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन कभी अगर ऐसी नजाकत हो, ऐसा मौका हो, ऐसा मुद्दा हो तो स्क्रिप्ट में थोड़ा हेर फेर कर लेना चाहिए सर, और इस कैपेसिटी में तो होना चाहिए कम से कम उन सवालों का जवाब दे पाए। देश के नौजवानों की, देश के, अरे करिए ना सर, मैं कब मना कर रही हूँ, चुनावी रैलियां करिए, ये मुद्दा उठाइए, आप विपक्ष में है। मेरा सीधा सवाल भगत सिंह के साथ तुलना को लेकर है, उस पर आप जवाब दे नहीं रहे। भगत सिंह के साथ किसी की तुलना नहीं कर सकती। अरे हो रही है ना, पर सर हो रही है ना, जो तस्वीर देखकर मुझको समझ में आ रहा है, जो बाकी सबको समझ में आ रहा है। आपने सुना ना यादवेंद्र सिंह को, भगत सिंह के पोते को सुना ना आपने, क्या कह रहे हैं वो? 23 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का? अरे तो यही शहादत देने का जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी किस लिए कर रहे हैं? क्रांतिकारी हैं क्या अरविंद केजरीवाल?